तो इस पोषण को बनाने के लिए हमें जो चाहिए होगा वो है जी गार्लिक का जूस और लहसुन का जूस। मैं आपको बता रही हूँ ये लहसुन का जूस आपको कैसे निकालना है। पहले लहसुन को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए और उसको छिलका निकाल लीजिए। उसके बाद एक ब्लेंडर कप में उस सबको डाल के थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। उसके बाद अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लीजिए, तो बहुत ही क्लियर लहसुन का जूस निकल आएगा। और आधा कप जिंजर जूस, ये अदरक का जूस है, वो भी आप बिल्कुल इसी तरह से आपको निकालना है। आधा कप लेमन जूस और नींबू का जूस, और ये है एप्पल सीडर विनेगर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पोषण के लिए। तो ये आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा, ये भी हमको लेना है आधा कप। और ये है हनी और शहद, तो ये भी हमको आधा कप लेना है, लेकिन ये हम बिल्कुल बाद में यूज करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, पहले एक पैन लेना है हमें जिसमें हम इसको उगलेंगे। तो इसमें हमें सारा सारा जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक एक करके डाल देना है इसी तरह से। ये सारा मैंने डाल लिया। अभी हमें आधा कप के हिसाब से ये जो एप्पल साइडर विनेगर है ये हमको ऐड करना है। ये मैंने इसको ऐड कर दिया। इसके बाद इसको अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स करना है, और ये मिक्स करने के बाद हमें धीमी आंच में इसको 1/3 होने तक उगलना है। इस मिश्रण को आप ऐसे ही धीमी आंच में उबलते रहे जब तक ये 1/3 में बन जाए। लगातार 45 मिनट तक इसको धीमी आंच में उबलने के बाद इसका कंसिस्टेंसी ऐसे आया है, और ये अभी टोटल 1/3 मेजरमेंट भी आ गया है। तो अभी मैं ये गैस को ऑफ करूंगी और इसको ठंड होने के लिए रख दूंगी। इसे ठंड करने के लिए आप कोई ठंडे पानी के बर्तन के ऊपर भी रख सकते हैं ऐसे। अभी इसे अच्छी तरह से ठंड होने के बाद क्या करना है, हमें 1/2 कप के हिसाब से हनी इसमें ऐड करना है। और फिर एक चम्मच से इसको अच्छी तरह से इस मिश्रण के साथ मिला देना है। ये जो मिश्रण है ये अभी अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है, और इसका जो कलर है वो लगभग ऐसे ही आएगा। अभी हमें क्या करना है, एक कांच के गिलास में इसको हम ऐसे निकाल लेंगे, और इसको हर रोज सुबह ब्रेकफास्ट के पहले या कुछ भी खाने से पहले 1 टेबलस्पून करके हम पियेंगे। और इसको अगर आप चाहें तो एक बॉटल में भी आप स्टोर कर सकते हैं।